हे फूडीज, वेलकम टू माय चैनल वेगन ईटर्स। तो फ्रेंड्स, रिपब्लिक डे पास है और आज मैं आपके लिए रिपब्लिक डे स्पेशल एक रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं होममेड ट्राइकलर पास्ता। बहुत ही टेस्टी एंड यमी रेसिपी है, हम इसे बहुत ही इजीली घर पे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, मैं इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर ऐड नहीं करने वाली हूँ, ऑर्गेनिक वे में इसको प्रिपेयर करूँगी। तो मैं बेसिकली आज वेजिटेबल के कलर यूज़ करके इसको ट्राई कलर दूँगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे बहुत ही टेस्टी एंड यमी पास्ता लग रहा है। तो देर किस बात की, बनाना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। तो यहाँ पे हम पहले स्पिनेच यानी पालक को थोड़ा ब्लांच कर लेंगे। तो मैंने इसे गर्म पानी में ऐड कर दिया है। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे ब्लांच करेंगे, देन इसको हम थोड़ा ठंडा करने के बाद प्यूरी बना लेंगे ग्राइंड करके। ब्लांच करने से जो पालक का कलर है वो एकदम ग्रीन रहता है। आप इसे प्रेशर कुक मत करिएगा, आपको इसी टाइप से ब्लांच करना है। ऑरेंज कलर के लिए मैंने यहाँ पे 2 टोमेटोज लिए हैं। इस टाइप से आपको प्लस के निशान में कट लगाना है और इसको आप थोड़ा सा पानी में बॉईल कर सकते हैं, या फिर मैंने इसे 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव में ब्लांच कर लिया है। छिलका उतार के इसकी भी प्यूरी बना लेंगे। तो डो तैयार करते हैं। मैंने आधा कप ले लिया है मैदा, इसमें टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट डो रेडी करेंगे। तो इससे हमारा फ्रेंड्स ऑरेंज कलर का डो रेडी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ऑरेंज डो रेडी कर लिया है। सिमिलरली मैं अगेन हाफ कप मैदा लूंगी, उसमें मैं पालक प्यूरी ऐड करूंगी, इससे भी मैं डो रेडी कर लूंगी। तो इससे हमारा ग्रीन कलर का डो रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने इसको यहाँ पे डो रेडी कर लिया है। दोनों डो मेरे रेडी हैं। जो थर्ड कलर है वो हमारा वाइट कलर है। तो फ्लैग का कलर आज हम बेसिकली इसको देने वाले हैं। तो वो मैंने नॉर्मल पानी से आटा गूंद लिया। अब एक डो को लेके आपको इस टाइप से चपाती बेलनी है, लेकिन आप इसे जितना पतला रख सकते हैं आप इसे उतना पतला रखिएगा। हमें एकदम थिन चपाती इसकी बेलनी है। अब हम क्या करेंगे, पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से या फिर नाइफ से इसको इस टाइप से स्ट्रिप्स में कट करेंगे। तो हमें लॉन्ग स्ट्रिप्स में कट करना है, जैसे पास्ता होता है। एक स्ट्रिप मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारा पास्ता रेडी है। सिमिलरली आपको ऑरेंज एंड वाइट डो का भी इस टाइप से चपाती बेलनी है और इसे स्ट्रिप्स में कट कर लेना है। तो ये हमारा पास्ता रेडी हो गया है। अब मैंने यहाँ पे पानी बॉईल कर लिया है, इसमें हम सारे कलर के पास्ता को ऐड कर देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे से कुक करेंगे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है सो दैट ये आपस में चिपके ना। तो मैंने इसमें ऑरेंज कलर भी ऐड कर दिया है और इसके साथ वाइट कलर भी ऐड कर दिया है। तो इसे लो फ्लेम पर हम थोड़ा सा पका लेते हैं। तो इसे बीच बीच में आप इस टाइप से हिलाते रहें। तो इसे ठंडा करने के बाद हम इसे छान लेंगे और ठंडे पानी से धो लेंगे और थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। तो आइए इसको अब तैयार करते हैं, इसे कुक करेंगे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा ऑयल ले लिया है, उसमें चॉप्ड गार्लिक ऐड किया है। जब गार्लिक थोड़ा ब्राउन हो जाए तो इसमें मैं पास्ता ऐड कर दूंगी। आज मैं इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ, ऐसे भी बहुत टेस्टी बनता है। आप चाहे तो इसमें सॉसेज ऐड कर सकते हैं, वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर दिया अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इसे थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। तो आपको इसे बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स करना है, अदरवाइज ये टूट सकता है। तो मैंने यहाँ पे 2 पिंच ऐड कर दिया है ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून के अराउंड मैंने इसमें ऐड किया है। इसे हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ओरिगैनो एंड चिली फ्लेक्स, इससे इसका टेस्ट एनहेंस हो जाएगा, बहुत ही अच्छा लगता है ये। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को घर पे तैयार करिएगा, मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वेगन ईटर पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, रेसिपीज़ को लाइक एंड शेयर करें। और फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी चैनल अवेलेबल हैं, जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा रिपब्लिक डे स्पेशल ट्राई कलर पास्ता बनके रेडी हो गया है। मैं इसको थोड़ा गार्निश कर दूंगी चीज़ से। तो मैंने यहाँ प्रोसेस चीज़ को ग्रेट करके इसके ऊपर ऐड किया है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपके कोई सजेशंस हैं, कोई पर्टिकुलर रेसिपी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना, बिकॉज एक तो हमने इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर ऐड नहीं किया है, बिल्कुल ऑर्गेनिक वे में हमने इसको तैयार किया है। और अगर आप मैदा यूज़ नहीं करना चाहते तो आप सूजी का आटा ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नई रेसिपी के साथ।